कराहल जनपद उपाध्यक्ष और सदस्यों ने सीईओ पर लगाए मनमानी के आरोप। सीईओ के कारनामों की कलेक्टर से करेंगे शिकायत, देंगे धरना। खबर कराहल से है। कराहल जनपद सीईओ पर जनपद उपाध्यक्ष अंजू जादौन और जनपद सदस्य राजू सैनी ने आरोप लगाया है कि सीईओ अपनी मनमानी के चलते जनप्रतिनिधियों से उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। अभी तक ना तो कोई मीटिंग और ना ही समिति बनवाई गई है। जब भी सीईओ से इस विषय पर पूछताछ करते हैं तो दो जनपदों का प्रभार होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसे जनपद सीईओ के रहते हुए अपने क्षेत्र के विकास कराएं तो कराएं कैसे? जनपद से जिन पंचायतों में भुगतान किया जाता है उसकी जानकारी भी संबंधित जनपद सदस्यों से नहीं पूछी जाती है, और जहां जनपद सदस्य ने घटिया निर्माण की लिखित शिकायत कर रखी है उन कार्यों को भी भुगतान कर दिया जाता है। महिला जनपद सदस्य ममता जारोलिया ने बताया कि उनके क्षेत्र में जनता के कोई काम नहीं हो रहे हैं, उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है। नौबत यहां तक आ गई है कि वो अपने पद से इस्तीफा देने कलेक्टर के पास जाएगी। उपसरपंच ने बताया कि कई पंचायतें तो ऐसी हैं जहां आधे अधूरे और घटिया निर्माण के भुगतान भी महोदय द्वारा कर दिए जाते हैं, और कई जगह रपटों में रेत की जगह डस्ट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। वहीं भाजपा नेता भी पूरे प्रदेश में भाजपा की जीत होने के बावजूद यहां बीजेपी की हार के जिम्मेदार भी ऐसे अधिकारियों को ठहराया है जो दलाली के चक्कर में शासन के सारे रुपयों को खुर्द बुर्द कर देते हैं। अब कलेक्टर संजय कुमार को इस मामले में अवगत करवाएंगे। आमजन में आक्रोश बना हुआ है कि पूर्व में हुए भुगतानों की जांच की जाए और कराहल सीईओ से यहां से हटाया जाए। जी, क्या नाम है आपका? राजू सैनी, जनपद सदस्य कराहल। राजू सैनी जी, आप जनपद सदस्य हैं, जनपद संबंधी क्या समस्याएं, क्या यहाँ पे मतलब ऐसे कारनामे हो रहे हैं जनपद में? ये परेशानी है, आज हम लोगों को जीते हुए दो दो साल हो गए हैं, हमारे जनपद सीईओ अभी तक हमारी सिर्फ दो या तीन ही मीटिंग ले पाए हैं, जबकि कानूनन रूप से हर महीना एक मीटिंग होनी चाहिए। ना ही हमारे जनपद सीईओ किसी भी क्षेत्र में यहाँ के जनपद सदस्यों को बुलाते हैं और अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। कुछ बताया जा रहा है कि कुछ पेमेंट को लेकर भी यहाँ अच्छा खासा सेटलमेंट चलता है, बिना काम के भी पैसे निकाल दिए जाते हैं, कुछ ऐसा होता है क्या यहाँ? हाँ हाँ, अभी ये सुनने में आया है, कुछ लाख रुपए आया था जो जनपद सीईओ ने अपनी जो कुछ पंचायत उनके संपर्क वाली उन पंचायतों में उसका पेमेंट कर दिया गया, जबकि किसी भी जनपद सदस्य से इस बारे में पूछा नहीं गया। जनपद सीईओ आपकी मीटिंग ले लेते हैं, इस वजह से आपने उनसे कहा था कभी? हाँ, उनसे एक दो बार बात हुई है तो वो ये कहते हैं कि मेरे पास दो दो जगह का फरवार है, मैं बीजापुर भी रहता हूँ, यहाँ भी रहता हूँ, इस कारण मैं मीटिंग नहीं ले पाता हूँ। तो जो आप जनपद सदस्य हैं यहाँ से, काफ़ी एक लंबा ये क्षेत्र कराल, यहाँ पे तमाम सारी समस्या होंगी, आप फिर उनका निराकरण कैसे करा पाते होगे? कई बार इनको लिखित में दिया है, उसके बाद भी ये आश्वासन दे देते हैं कि हम काम करवाएंगे, लेकिन आज तक किसी भी चीज़ का एक भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। राजू जी, आपके साथ और भी सदस्य हैं, तो आगे ऐसे अगर ऐसा चलता रहा इसी तरह से तो आगे आप क्या रणनीति बनाएंगे इनके लिए? हमारी जनपद पंचायत में 15 सदस्य हैं, उनमें से काफ़ी सदस्य परेशान हैं, इनकी क्या ना तो कोई सुनवाई हो रही है अभी, तो हमारे जनपद सदस्य और एक बॉडी ने मिलकर ये फैसला लिया कि कुछ दिन में अगर निराकरण नहीं होता है तो हम एक ज्ञापन कुछ दिन बाद SDM साहब को देंगे, उसके उनको अवगत कराएंगे कि ये स्थिति हो रही है हमारे जनपद पंचायत कराल में। नाम है आपका? मेरा नाम है सर ममता जारोलिया। और किस वार्ड से हैं आप सदस्य, किस जन उससे हैं? पनवाड़ा पंचायत वार्ड क्रमांक। जनपद सदस्य हैं आप? जनपद सदस्य। क्या परेशानी आ रही है आपको जनपद संबंधी? परेशानी जो आ रही है सर कि हमारी कोई सुनता नहीं है, जनता से जो हमने वादे किए उसमें हम मुँह दिखाने लायक नहीं रहे, और सीईओ साहब हैं जो उनकी मनमर्जी से उनको फंड दे देते हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं उपाध्यक्ष हैं उनके पक्ष के व्यक्ति हैं उनको फंड दे देते हैं, और हम विपक्षी लोग हैं, हमारी सुनवाई नहीं करते। हम कई बार आवेदन लगा चुके, कई बार शिकायतें कर चुके, लेकिन वो लोग सुनते नहीं हैं हमारे। यानी फिर आप जनता के काम कैसे करा पा रही होंगी अपने क्षेत्र के? वैसे ही घूम रहे हैं सर, कैसे भी नहीं करा रहे, जाते हैं घूमे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। जनता तो आप पर आरोप लगाती होगी कि क्यों काम नहीं करा पा रहे हो? लगाती है जनता आरोप। तो अभी आपकी ये सुनवाई फिर नहीं होती है तो आप क्या आंदोलन रखेंगी बाद में? हम लोग इस्तीफा देंगे सर, धरना देंगे, जनता को ले जाकर कलेक्ट्रेट में धरना देंगे और इस्तीफा देंगे। जनपद सीईओ से आपने कई बार कही होगी ये बात? कई बार तो जनपद सीईओ बोलते हैं, वो लोग आ जाते हैं, भीड़ बना के आ जाते हैं, वो लोग मुझसे फंड ले जाते हैं, और आप लोग तो आते नहीं हैं, आप लोग ले आओ, भीड़ भाड़ करके ले आओ, तो हमें कहाँ से लाएं, हम विपक्षी आदमी, हमको देते ही नहीं। यानी जनपद सीईओ कहते हैं हमारे फर्जी शान करके उनको फंड वितरण कर देते हैं।
सर तुम पूछिए, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे साथ इसलिए हो रहा है सर के हम आदिवासी के सदस्य हैं, जाटव समाज के, कुशवा समाज के, तो हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं करता, यानी जनता पक्ष करते हैं। अच्छा, यानी जनपद सीओ ये कहते हैं कि भीड़ लाओ और पैसा ले जाओ, ऐसे कहते हैं वो लोगों को बांट देते हैं, वे तो बेपक्षी आदमी है ना, उनको दे देते हैं वे सब। यानी आपके साथ भेदभाव हो रहा है कहीं ना कहीं, भेदभाव हो रहा हमारे साथ। यानी आपको जो जनता ने चुना उन चीजों को आप उन चीज मतलब लोकतंत्र में जो आपको पद मिला उसका उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, नमस्कार, आप बिल्कुल नहीं करा पाती हैं अपनी सीट पर? बिल्कुल नहीं सर, ज्यादा फंड तो क्या देंगे सर, वो मुरम भी नहीं डलवा पाते, मुरम तक नहीं डलवा पाते, इतना भी अधिकार आपको प्राप्त नहीं है। कीचड़ हो रही है, कई रस्तन में कीचड़ हो रहा, घूरे जट रहे हैं, लेकिन उसकी भी साफ सफाई नहीं करवा पाते। मेरे गांव में एक भी, मेरी ग्राम पंचायतों में एक भी काम थोड़ा बहुत भी नहीं करवाया है। यादव जी, क्या विकास कार्य आपने अभी 1.5 वर्ष में करा पाए जनपद द्वारा? हमने अभी कोई विकास नहीं करवा पाया। इसका क्या कारण है? आप तो उपाध्यक्ष हैं, आप पे तो पूरा प्रभार है, क्यों विकास कार्य नहीं हो पाए? हम तो उपाध्यक्ष हैं, लेकिन जब सीओ साहब बड़े बड़े कोई अधिकारी नहीं करवा पा रहे, वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, तो हम कैसे करवा सकते हैं? अभी रिसेंटली में एक महीने में कुछ सुनने में आ रहा है 2 करोड़ तक का पेमेंट हो चुका है, तो इस पेमेंट की आपको जानकारी है? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है। आपको नहीं बताया जाता है किसी भी भुगतान के बारे में? नहीं। कुछ पंचायतें हैं जहाँ से कुछ लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि पेमेंट कर दिए गए हैं, काम अधूरे हैं, काम बड़े गुणवत्ताहीन है, डस्ट मिलाकर तो रफ्टे बनाए जा रहे हैं, आपको ये जानकारी है? हाँ जी, हाँ है जानकारी, डस्ट को ने ये कहा है, अधिकारी ये कह रहे हैं कि अलाउ है डस्ट, तो डस्ट और मिट्टी से तो बनाई नहीं जाती है लेकिन रफ्टे फिर ये, लेकिन ये तो अब अधिकारी जाने और बनाने वाले ठेकेदार जाने। इतनी शिकायतें होती हैं गुणवत्ता इन कार्यों की, फिर भी ये क्यों एक्शन नहीं लेते हैं किसी भी चीज़ पर? अब एक्शन आजकल तो देखो सब समझदार हैं कि कोई भी एक्शन जब कुछ मिल रहा होगा तो एक्शन क्यों लेंगे। सही बात है। आप उपाध्यक्ष हैं वहाँ से, तो आपने कभी मीटिंगें की हैं इसमें जनपद में? मीटिंग की थी, लेकिन अभी तो साल सी होने को हो गई है, अभी तक तो कोई मीटिंग नहीं हुई है, और जब सीओ साहब से बोलते हैं तो उनका कहना यह है कि हमारे पास 2 जगह के चार्ज है, वो मिलते ही नहीं है, वैसे तो जनपद में बहुत कम मिलते हैं, तो अब वो 2 जगह कैसे संभाल सकते हैं ये तो आप वो बता सकते हैं। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि 2 जगह का प्रभार होने के चलते कराल जनपद कहीं ना कहीं पिछड़ रही है विकास कार्यों में? बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल पिछड़ रही है। अब जैसे यहाँ की जनता है वो ये कहती है कि हमने आपको चुना है, अब उन्होंने मुझे सदस्य बनाया था, सदस्य फिर उपाध्यक्ष बनाया, तो हमें ये करना चाहिए, लेकिन हम क्या करें, सीओ साहब 2 जगह है, 2 जगह का नहीं संभाल पाएंगे, एक सीओ साहब 1 जगह का ही संभाल सकते हैं, इसलिए कराल चत पिछड़ रहा है। यानी कहीं ना कहीं उनकी और कुछ उनकी मनमर्जियों के भी लोग आरोप लगा रहे हैं, और जनपद सदस्यों ने कहा है कि वो उनके भी काम नहीं कर रहे हैं और अपनी मनमर्जी से कुछ पेमेंट वो करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ बिल्कुल करते हैं, जैसे फंड आया, कोई भी पैसा आया जनपद में, तो सीओ साहब को बॉडी से बात करना चाहिए कि उन्हें जानकारी लेना चाहिए, हम लोगों से भी पूछना चाहिए कि कैसे करना चाहिए, ये क्या है, तो वो कोई जानकारी नहीं लेते, वो तो खुद ही इतने बड़े जानकार हैं, तो फिर वो किसी की क्या ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं ये जितना जो हो रहा है गुणवत्ता इनकाम, तो इसमें क्या मिली जुली बात मानी जाए इनकी? अब यही है, स्पष्ट दिख रहा है और क्या है। अभी कुछ जनपद सदस्यों ने भी आरोप लगाते हुए बताया कि अब वो जनपद सीओ के खिलाफ धरना देने वाले हैं, कलेक्टर से शिकायत करेंगे कि इन्हें हटा दिया जाए, क्या ये इस बातें होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, हमें इससे कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि हम तो कह रहे हैं ना, लेकिन जब हमारी सुनवाई नहीं है तो कोई भी जो चाहे वो करे, हमें कोई मतलब नहीं, हम भी साथ में उनके सदस्यों के सदस्यों से ही हम बने। कलेक्टर साहब अगर चाहें तो सीओ बदल दे या वो इन्हीं को रखे, हमें इससे कोई वो नहीं है, कोई लगाव नहीं है कि हमारे कुछ लगाव कि यही सीओ रहना चाहिए, हमें जनता से मतलब है, क्योंकि हमें जनता ने चुना है तो हमें जनता की सेवा करना चाहिए, जो वो काम बताए वो काम करना चाहिए, जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं, मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, क्यों मेरी नहीं चल रही है ना, कोई सुनवाई नहीं है, और अगर नहीं चल रही है ये कमेटी तो मेरी कमेटी बंद कर दे सीओ साहब, रट्टा खत्म हो जाएगा, जो उनको उचित लगे वो करें, करना चाहें वो कर सकते हैं, फिर वो
फिर क्यों जनपद सीईओ इतनी लापरवाही कर रहे हैं कि सदस्यों की भी नहीं सुन रहे हैं, ऐसा क्या माने इस पे? पता नहीं, ये तो सीईओ साहब ही जाने, वो बता सकते हैं कि कलेक्टर साहब की इतनी वो हो रही है पूरे क्षेत्र में, उसके बावजूद भी ऐसे काम हो रहे हैं, तो ये तो वही बता सकते हैं सीईओ साहब। सरपंच सेसीपुरा पंचायत, ग्राम पंचायत भैया, सेसीपुरा पंचायत के उप सरपंच हो आप जी। क्या कहना चाहते हो, क्या परेशानी आ रही है? कुछ निर्माण कार्य है सेसीपुरा पंचायत में, जो पेमेंट हो चुके हैं, निर्माण कार्य अभी तक अधूरा है। कि पेमेंट पहले किए जा रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह कमीशन का वजह हो सकती है, परसेंट चल रहा है कमीशन के द्वारा पेमेंट हो रहे हैं। तो ऐसा मतलब क्या इनमें कुछ प्रभावशाली लोग भी होंगे इसमें शामिल? जी, जो शासन का पैसा आता है ना, उसमें भंडारवाद किया जा रहा है, बिल्कुल पैसे ताकि ताकि बट जाता है और पेमेंट निकाल लिया जाता है, और जनता को उन सुविधाओं का लाभ मिल नहीं पा रहा होगा। सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता, लगातार पेमेंट हो रहे हैं। सीसी अभी भी चले, आप देख लीजिए जो क्या बोलते हैं नाली है अधूरी, ये पेमेंट फुल हो गए हैं कई निर्माण, जो पीए हमारी मोटर है जो पैसे निकल चुके हैं अभी तक चालू नहीं है। यानी आप तो सरपंच हो, तो ज़्यादा करीबी से आपने इस भ्रष्टाचार को देखा होगा? भ्रष्टाचार तो बहुत ही हुआ है इसमें, कई फर्जी जॉब कार्ड भी चढ़े हैं इसमें, जो आदमी जयपुर काम कर रहा है उसका भी मतलब काम कर पैसे निकल रहे हैं, मतलब जो व्यक्ति दूसरे राज्यों में काम कर रहा है उसकी मजदूरी यहाँ चढ़ाई जा रही है और काम मशीनों द्वारा कराया जा रहा है, द्वारा जेसीबी द्वारा काम जो निर्माण कार्य हो रहा है। ये सब बातें किसी अधिकारी से तो छुपी नहीं होंगी, उन्हें पता होगा सब? पता होगा अधिकारियों को, तो तभी तो ये पेमेंट हो रहे हैं जी। जनपद सबसे मुख्य केंद्र है, जबकि यहाँ पर इतना बजट आता है, उसके बावजूद भी हमारे निर्माण कार्य नहीं हो पाते हैं। ग्राम पंचायतों में आज भी ये कमियाँ हैं, जहाँ सीसी का निर्माण नहीं हुआ है, कहीं अगर सीसी बनी है तो वहाँ नाली का निर्माण नहीं हुआ है, और यहाँ नल जल योजना अभी तक शुरुआत नहीं हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे क्षेत्र में, पानी की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। शिवरी जी, क्या अपन माने कुछ पंचायतों में तो अभी भी काफ़ी लंबा पेमेंट हुआ है, लोग बताते हैं कि वहाँ तो काम हुए नहीं है, आपको इस मामले में जानकारी है क्या? अभी एक सुनने में आया है मामला कि जो 5 लाख का निर्माण कार्य होना था वो 15 लाख रुपये उसका पेमेंट कर दिया गया है, तो ये गलत है। मैं ये इसी चीज़ को कहना चाहता हूँ कि यहाँ के अधिकारियों पर लगाम लगाई जाए, तो हमारे शासन की मंशा के अनुरूप हर जनता का जो कार्य है वो हो सकेगा और यहाँ की जनता को वो लाभ मिल सकेगा। डॉक्टर साहब, क्या मानते हो जिले में इतने ईमानदार कलेक्टर पदस्थ हैं और जिनकी तूती पूरे जिले में बोलती है, फिर ऐसी क्या वजह है कि कराल के अधिकारी उस कलेक्टर का भी वह नहीं कर रहे हैं और ऐसे ऐसे क्रियाकलाप देखने को आ रहे हैं कि पेमेंट किया जा रहा है बिना कामों के? देखो, हमारे जिले में हमारे कलेक्टर साहब जो मिले हैं संजय कुमार जी, बहुत ईमानदार और बेहद संजीदा हैं, वो हमेशा विकास कार्य के लिए और जनता के कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारी सरकार के द्वारा उनको पुरस्कृत किया जाए, लेकिन हमारी कराल विकास करने के कुछ अधिकारी उनकी अनदेखी कर रहे हैं और उनके संज्ञान में ये मामला नहीं आया, नहीं तो वे उचित कार्रवाई करते और करेंगे। अधिकारी की ऐसी मत कैसे हो रही है कि वो इतना भ्रष्टाचार कर रहा है, मतलब क्या माने अपन, किन कौन संरक्षण दे रहा है उन्हें? यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो दबंग हैं, इन लोगों की राजनीति में बहुत ऊंची पकड़ है और लोगों के दबाव में आम पब्लिक यहाँ कुछ कह नहीं पाती है, उसे डरती है। जैसे आप ये सीट गवा बैठे यहाँ से, देखिए हमारा विकास खंड जो है आदिवासी विकास खंड है, यहाँ हमारी जनता भोली भाली है और यहाँ के जो भी अधिकारी हैं उन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया और लोगों के कार्य नहीं हो पाए, तो वो हमारे शासन से असंतुष्ट हो गए थे, तो उन्होंने हमारी भाजपा को वोट न देते हुए उन्होंने कांग्रेस को वोट किया, इसलिए हमारी यहाँ हार हुई। आपका? जी, मेरा नाम पुष्पराज जारोलिया है, मैं ममता जारोलिया जनपद सदस्य का पुत्र हूँ। अच्छा जारोलिया जी, क्या परेशानियाँ ऐसी आ रही हैं जो आप यहाँ चैनल पर अपनी बात रख रहे हो? परेशानियाँ ये हैं कि जनपद सीईओ द्वारा हम अपनी ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों पर जो रोक लगाती हैं उनका निर्माण कार्यों पर जो रोक लगाती हैं लिखित में आवेदन देती हैं, उसके बावजूद भी जनपद सीईओ जो हैं पेमेंट डाल देती हैं और मुझसे कहती हैं मेरी माताजी अनपढ़ हैं और मेरे पिताजी नहीं हैं, तो मैं थोड़ा उनके साथ देखभाल करता हूं, तो मेरे से कहती हैं तुम क्यों बोलते हो बीच में। ऐसे तो कई सरपंच हैं, सरपंच पति हैं जो अपनी सरपंच पत्नी की जगह खुद सरपंच ही कर रहे हैं, इसलिए साथ मैं ही तो आऊँगा। यानी आपके पिताजी नहीं हैं आपके जी, इसलिए आप आते हैं उनके साथ? जी जी।
तो अभी आप क्या इसमें एक्शन लेंगे अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो? है जी, हम इसमें एक्शन लेंगे, बहुत बड़ा धरना देंगे, जितने भी हम जनपद सदस्य हैं विपक्ष पार्टी के उनके साथ धरना देंगे। धरना देने के बावजूद भी नहीं सुनते हैं तो हम इस्तीफा देंगे सभी लोग। आपने इस मामले में कलेक्टर साहब से अभी तक अवगत नहीं कराया? नहीं अभी जी हमने नहीं करवाया, लेकिन अब हम अपने ज़िले के जो ईमानदार कलेक्टर जी हैं संजय कुमार जी, उनके साथ अपनी गुहार लगाएंगे।